बीबीसी। ओ बीबीसी टीवी से आए हैं? ना, बीबीसी मतलब बाशु बंकिम चंद्र। चट्टोपाध्याय। ए क्या कर रहे हो? वो कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, वो किसी को छूने से फौरन चार्ज हो जाता है। हमें चट्टोपाध्याय फोटोग्राफर कम प्रेस रिपोर्टर आनंद बाजार पत्रिका कोलकाता। हमें क्रांतिकारी पत्रकार, हमारा कॉलम हम AK-47 की तरह धता 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 चलाता है, रुकता ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सुबह सुबह ही डाउन बैटरी कहाँ से आ टपका? हाँ तो मिस्टर डाउन बैटरी, मेरा मतलब है बीबीसी। हाँ। तुम इतने हिलते डुलते क्यों? सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या? हम चुंगम खाता है। पता नहीं कहाँ से खा रहे। हाँ। खा रहा है मुंह से और हिल रहा है पीछे से। बैठिए। थैंक यू। देखो ना, अमी कौन सा स्टेट का पुलिस कितना ईमानदार। थैंक यू। इसके ऊपर थीसिस लिख रहा है। अच्छा। हम ट्रेन से जा रहा था, आपको मैनली स्टाइल से गुंडों को पीटता देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम चलती ट्रेन से झांप मारा और आपका कारनामा का छोभी खींचा। अपना स्टाइल उड़ी बाबा। हमार खूब भालो लागलो। जो दे आप फिल्मों में होता ना तो सोनी देओल का और आपका जोड़ी कमाल का। ओह एकदम सही कहा सर। फाइट मारता है। शट अप सर, ही इज माय फेवरेट हीरो। आई सेड शट अप। देखिए मिस्टर बीबीसी, अब आप छपवा दीजिए इन तस्वीरों को अखबारों में और कर दीजिए मेरे नाम का हंगामा सारे शहर में। आपके नाम का असली हंगामा तो तखन होबे जब इस छवि के साथ आपके असली रंग का ये छवि भी छपेगा। घूस खाने वाला ये दूसरा, जरा वो अंडर है प्रिंटिंग में। भयंकर डेंजर। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? पत्रकार सुनो, मैं कोई लेडी डायना नहीं हूँ कि तुम जैसे फालतू जर्नलिस्ट से डर जाऊंगी। मैं लेडी किरण हूँ, किरण पाटकर। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक चीज हूँ मैं। वो बांग्ला साड़ी पहनोगी ना उड़ी बाबा, और डेंजर लोगोगी। ये डाउन बैटरी लगता तो है मर्द का बच्चा, वरना वर्दी में और वो भी पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर के साथ ऐसी बात। शायद दादा भाई आ रहे हैं। दादा मुनी आ रहे हैं, एक्टर। दादा मुनी नहीं, दादा भाई। आपका भाई? अरे मेरा भाई नहीं, हम सब का भाई, शहर का भाई। उड़ी बाबा, शहर का भाई। वो अपना हिसाब किताब बाद में करेगा। वो चलता है, बाय बाय। लगता है हथौड़ा यहीं पे टकराएगा। मगर दादा भाई, इसके लिए आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक फोन कर लिया होता। पांडू सोनू दया थेला सोनू का हां लाओ सर, सिर्फ 3 मिनट बाकी। अगर मैं शर्त हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमाल कमाल, फास्ट फास्ट काट कर मैम साहब। ये आप सभी शर्त लगाई सका? लाइए लाइए, शर्त के पैसे निकालिए, टाइम नहीं है। हो गया, आप शर्त हार गए हैं। आरसी ए चटवा, अरे कहां दौड़ा जाता है? छोटू नहीं दादा भाई, मोंटी। मोंटी आप जानते हैं मैं कभी जीतो शर्त के पैसे वापस नहीं करता, जानते हैं ना? ओके, आरसी यू लेटर। अरे देखा, ये ले भगवान। लगता है बहुत लाड़ प्यार से पाला है आपने अपने भाई को, है ना? अब बस यही हमारे कमजोरी है मैम साहब, अब का बताई तो का। और ससुराल जाना था कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बस फायदा उठा लेते हैं। अब देखा आपसे शर्त लगा सके नहीं। हां कितना लगेगा भाई? 1500 ही थे ही। अरे 1500 होते है इल्ले, एक दो तीन 1500 रुपया ये लो गिल्ले। अरे नहीं नहीं दादा भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ला ला ला, रखा रखा रखेगा। अब मगर दादा भाई, वो पैसे मेरे थे ही नहीं। तो हार नहीं रहा है? फिर भगवान का प्रसाद ही समझ लीजिए। अब वो मैं खाऊं या वो खाए क्या फर्क पड़ता है? ला हमारा रुपया वापस दे। ये क्या हो रहा है?
कोनो मरगवा का? अरे चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो, खाली करो ये जगह, चलो चलो चलो। क्यों चलो? छोड़, अबे छोड़। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि बच्चे अंदर बम रखा है, लॉकअप के साथ पुलिस लाइन भी उड़ जाएगी, खुद तो मरेगा मेरे को भी मरवाएगा साला। ससुराल लॉकअप में बम तुम्हारी रखे रहो ना, ताकि बिहारी जबान खोले से पहले खत्म हो जाए और तुम्हारे जौन उल्टा सीधा काम है वो छुपा का छुपा रह जाए। ज्यादा हमसे होशियारी करा दो। बाबा इंस्पेक्टर साहब, और पुलिस स्टेशन में जौन आदमी बम रखे रहा ये है ससुरा, डर लेगा। हराम ज्यादा आग के का दिखाते पे मारा बाबा खींच के तो कब ले जा ले जाएगा। चलो ले चलो इसे। हाँ ले जा। क्यों दादा भाई? चलो चल। ससुर की अन्ना। और दादा मुनि कौन है भैया? ओहो तुम आओ यहाँ आए गए। कैसे भैया हमसे कोनो काम है का? आमी पत्रकार बीबीसी। बीबीसी? हाँ ये का होता बाशु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्या करत हो? हमारा बैटरी को भी कभी डाउन हो जाता है, ऐसा छूने से रिचार्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाते ही तो हम सुना रहा। हाँ। आदमी का बैटरी डाउन हो जाते पहली बात सुन रहा है हम। और एक बात बताई तो ये जौन तुम्हारे बाल है ना, चूल 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 चूल, ये जौन चूल है तुम्हारे। हाँ। बहुत बढ़िया है। वो इससे भी बढ़िया था, इतना लंबा था। अच्छा। वो हिंदू मुसलमान का राइट में आधा कट गया। कैसे? वो हम रिपोर्ट लिखने गया था, वो गुंडा लोग हमको लड़की समझ के पीछे पड़ा, वो तलवार से आधा कट गया, चूल कट गया, हम बाल बाल बच गया। तेरे की। गोशन, गोशन। आजा बैठा 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 बैठ जा। ये हम सिगरेट खा सकता है? सिगरेट खा सकता है? अरे सिगरेट पिया की चीज होता है, खाए की थोड़ी ना। नहीं हम बांग्ला में सब खाता है, पीता नहीं। आप सिगरेट नहीं खाता है? अरे सिगरेट ना खाए हमार दुश्मन, ये देखा ये फाई फाई फाई, ये है दादा भाई की असली पसंद। बाबा रे, पूरी बाबा, ये की ड्रामा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बिल्कुल तुम्हार जैसे। मतलब? मतलब ये भैया। हाँ। कि तुम ठहरे पत्रकार। हाँ। तुम्हार रिश्ता होए का चाहे गम के साथ या तो फिर रम के साथ, ये बम के साथ जौन तुम्हार रिश्ता बन गवा, ये हमार खोपड़ी में घुसत नहीं है। आज जौन पुलिस स्टेशन में तुम बम लेके भागे हो, हमका तो ऐसा लगा कि तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है उसके साथ। नहीं वैसा नहीं है, वो क्या है, वो बिहारी गुंडा था ना, उसका हम छोबी उतारने को गया था। हाँ। उधर हम बम देखा, हमारी वो कहते हैं ना कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने, वो मजबूरी पे बहादुरी दिखाया। अच्छा। लेकिन दादा भाई आपका आपका ये हाथ एकदम हथौड़ा है आर्मी वाले जैसा, आप बम को बिल्कुल नहीं डरता है। अब का बताई भैया, हमार तुम्हार कहानी जौन है। हाँ। वो बहुत मिलत जुलत है। हाँ। समझो कि नहीं। हाँ। अब देखा, बिना कोनो दादागिरी किए तमाम शहर वाले हमार नाम रख दिए हैं दादा भाई। हाँ। और तो और इनाम के पीछे एक और नाम जोड़ दिए हैं, हथौड़ा। हथौड़ा। अभी सबके बाद अगर हम डर जाए। हाँ। तो कहे का दादा भाई, कहे का हथौड़ा, बताओ। दादा भाई आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। हाँ। आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। हाँ। आपके पास विजिटिंग कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? अरे बाप। हाँ। विजिटिंग कार्ड का जरूरत नहीं पड़ा था क्यों? हमार नाम ले करके। हाँ। कौनो रिक्शा वाला, पुलिस वाला, टैक्सी वाला के दे देबो तो सीधा ला करके हमार दरवाजा के आगे तो का उतार दे है, समझो। अच्छा
दादा भाई। हाँ। अरे ये लड़की को तो भूल गए रहे हम। हाँ अच्छा भैया जाए थे आए। हाँ राम राम। गुस्सा बहुत करता है, बीड़ी भी पीता है। अब रह गई दो बातें, चाय बिना शक्कर की पीता है कि नहीं, और बोलता कितना है। स्माइल प्लीज। देखा भैया ये जाओ ना इंटरव्यू तुम ले आ चाहत हो का करबो यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारे माता पिता का नाम का है, हम हुआ से हिया कैसे आ गए, हिया हम काका किया, यही जानना चाहते हो ना। ए गंगू भाई अरे सुना 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 सुना, तुम्हार जो प्योर दूध वाला स्पेशल ताजगी वाला चाय है दूसरा प्याला हमको दे दिया। ये देखा बीबीसी साहब है। नमस्कार। हमारे इंटरव्यू नहीं है। हाँ जल्दी करा। ए सलमान भाई का देखा था इंटरव्यू? हाँ कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए। हाँ फोटो छाप दे बनो भैया। हाँ छाप देंगे छाप देंगे। दादा भाई बैठा बैठा बैठा। देखा तुम जो पूछा चाहत हो वो हम सब जाना था। हम जो बोले वाला है वो सुन लो। अरे ओ मौलवी भैया ये देखा इंटरव्यू इंटरव्यू हो जा बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ भैया बोला। ये लो भैया दो कप असली ताजगी वाली अमीरी तुम दोनों के लिए और बाकी गरीबी सबके लिए। ठीक है गंगू भाई। अमीरी अमीरी चौक गयो ना। अरे हम समझाए थे तो का अमीरी का मतलब होता है दूध ज्यादा पानी कम, और गरीबी का मतलब होता है पानी ज्यादा दूध कम। अरे नहीं भैया पानी है पानी होता है, दूध का तो केवल खुशबू होता है। हाँ बोला भैया कितना शक्कर डाली है मैं? एक चम्मच। एक इल्ला एक चम्मच चाय। ये तुम्हार हो गई और ये हो गई हमार। आप शक्कर नहीं खाता है? अरे शक्कर ना खाए हमार दुश्मन। ये देखा एक दुई तीन चार और ये पांच। ये देखा था एक कप बोला था खड़ी चम्मच की चाय। चम्मच खड़ा हो गया? हाँ खड़ा हो गया। मीठा तनिक हमका ज्यादा जरूरत पड़ा था। एक चाय देख और एक डाल दिया है बस। ये गवार डायबिटीज से मरेगा। इतनी बकबक करने वाला कर्नल सूरी हो ही नहीं सकता। कैसे भैया बीबीसी? हाँ? का? अरे हम जाना था तुम्हार मन में का चला था? नहीं नहीं आवाज बहुत होते ना। अब देखा भैया का बताई तो से चाय पिए का जौन तरीका है हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं पिया जाता है। इस शहर वालन की तरह हम चाय नहीं पी सकते हैं। ये जो चूहिया की तरह मुँह लगा के ये जो खुदर बुदर करा था ना ये हमसे नहीं हो सकता। चाय पिए का असली मजा जौन है वो एहमा है। आए कहते भैया सुलेमान का हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंघरू की आवाज ना हो तो कहे का मुजरा। सही कहा। गंगू भाई कौन है ये? कोई प्रेस वाला है दादा भाई का इंटरव्यू ले रहा है। मगर दादा भाई आज बोल बोल कर किट कॉल की तरह उसे खटिया से ऐसा चिपका देंगे कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ भैया अब सुना हमार कहानी। चलो थे। हाँ। कोई मर गए थे? अरे मरा नहीं मरा वाला है, सामने वाले घर में शादी होते। हाँ। एक और फंसा ससुरा। अरे मुन्ना सुना हो ए तनिक बलवंत के बोला ही गाना बजाना बंद करें, हमारा इंटरव्यू चला था, ये टिपवा में आवाज कैसे घुसी? दादा भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है। का बलवंत की शादी की? शॉपिंग? शादी की नहीं अर्थी की। अरे कौन उठ गो बका? वो रामू चाचा थे ना। अंतिम संस्कार का सामान लाने को शॉपिंग बोलता है? यंग जनरेशन। अरे भैया बीबीसी। हाँ दादा भाई। हमका तुरंत रामू चाचा के यहाँ जाए का पड़ा। हाँ। ये इंटरव्यू कोनो और दिन नहीं हो सका? हाँ हो सकता। हाँ तो ऐसा करा था कि परसों इतवार के दिन हमारा जन्मदिन है। हाँ खूब गाना बजाना खाना पीना हो तुम्हारा आ जाओ तुम्हारा काम हो जाए, पर आज हमका जाएगा पड़ी भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा राम राम राम।